नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ आशीष अवस्थी और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं परिविक्षा, मतलब प्रोबेशन क्या होता है। प्रोबेशन जो होता है, अगर मैं बात करूँ कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, मैं अपनी थोड़ी सी सोच बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक तो वो साबित करना बहुत कठिन होता है, उसको जैसे तैसे सजा नहीं मिलती, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। पहली चीज़, बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर उसको बरी कर देते हैं। दूसरी चीज़, यदि अगर वो साबित हो भी गया, उसको सजा मिल भी गई, या तो उसको प्रोबेशन पर छोड़ देंगे, है ना, यदि प्रोविजन नहीं मिला तो पेरोल पे छोड़ देंगे, यदि पेरोल नहीं मिला तो हाईकोर्ट जो है उसको हाईकोर्ट में अपील कर लेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लेंगे, फिर इधर भी काम नहीं हुआ तो अपन राज्यपाल के पास चले जाएंगे, राज्यपाल के पास भी काम नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे। तो हमें अपराधी को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उनको अनेक तरीक़ों से बचाया जा सकता है जेल में जाने से पहले। अब हम बात कर रहे हैं, ये एक परिवीक्षा क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है। प्रोहिबिशन जो होता है, प्रोविजन हमारा अधिनियम, परिवीक्षा अधिनियम 1958 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस व्यक्ति को कब परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो कि जिनकी उम्र जो होती है वो 21 वर्ष से कम होती है, क्योंकि इन लोगों को सुधार लाना होता है, अपराधी जो होते हैं उनमें सुधार लाना होता है। तो न्यायालय क्या करती है, कुछ ऐसी कैटेगरी के लोगों को ढूंढती है, जो अपराधी होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम जो होते हैं ऑफेंस कर रहे होते हैं, पहली बार अपराध किया होता है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है, और वो जो होते हैं वो 21 वर्ष से कम आयु के होते हैं, और ऐसा अपराध किया होता है जिसमें ना तो मृत्युदंड होता है ना ही आजीवन कारावास होता है, 2 वर्ष से कम की सजा होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, न्यायालय सहानुभूति दिखाता है और सहानुभूति के आधार पर उनको परिवीक्षा पर छोड़ देता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें उसको परिवीक्षा पर छोड़ा है, तो परिवीक्षक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी, वो उसकी निगरानी में रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलेगा नहीं जाके जो परिवीक्षा पर जिस व्यक्ति को छोड़ा है, मतलब ये क्या है, एक तरह की मुक्ति है। जब व्यक्ति जेल जा रहा, मान लो अगर आपको डर है कि मुझे जेल हो जाएगी, मैंने मान लो धारा 380 के अंतर्गत अपराध करा, 380 करी है, 379 करा है, अब मुझे लग रहा है कि कोर्ट जो है ना मेरे को फैसला सुना देगा कि मुझे सजा हो जाएगी 2-3 साल की, और मैं फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहा हूँ, तो आपको ये बता दो, ये आपके लिए बेनिफिट है। कोर्ट जो होता है, न्यायालय जो होता है, वो आपको एक बेनिफिट देता है कि जब आपने पहली बार अपराध करा है किसी प्रकार का, या आपकी जो आयु वो 21 वर्ष से कम की है, तो ऐसा न्यायालय सोचता है सुधार के लिए इन अपराधियों को, कि वो व्यक्ति जो है जिसने ऑफेंस करा है वो उन व्यक्तियों के साथ ना मिले जाके जो कि बहुत ही कठोर परिश्रम, कठोर कारावास के लिए जेल में है, जिन्होंने बहुत बड़े गंभीर अपराध करे, और यदि ये व्यक्ति जाके वहां पे मिल गया, उनके संगत में आ गया, तो संगति का असर हो जाएगा इन पे, ये भी अपराधी बन जाएंगे। तो ये ना तो अपने आप को सुधार पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उत्सुकता में उनके 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 अपराध हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सुधारने के लिए परिवीक्षा एक माध्यम होता है जिससे उनकी मुक्ति की जाती है। मुक्ति में ये भी होता है कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखेगा, समाज में जाके कोई ऑफेंस नहीं करेगा, और ना ही नशीले पदार्थ लेगा, धार्मिक स्थलों पर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमको। सबसे पहले हम प्रोविजन एक्ट जो 1958 है, उसके लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में धाराएं देखेंगे, इसमें देखेंगे परीक्षा का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे इलियट के अनुसार, उद्देश्य देखेंगे, परीक्षा की शर्तें देखेंगे, गुण और दोष समझेंगे, और लास्ट में सेक्शन सेक्शन देखेंगे, 15 सेक्शन जितने भी आते मुझे। अब सबसे पहले मैं बात करूँ कि परिवीक्षा का अर्थ क्या है। तो परिवीक्षा का अर्थ मतलब एक ये प्रोबेट वर्ड से निकला हुआ है, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है प्रोबेशन। इसका जो जो उद्देश्य होता है वो अपराधियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे खूंखार अपराधियों के साथ में मिलने से रोकना है, जिससे कि ये जो व्यक्ति हैं नए अपराधी जो कि पहली बार ऑफेंस करके आए, उनसे बचाना होता है, जिससे ये दोबारा अपराध नहीं करें। इनको, इनका जो चरित्र होता है उस पर सुधार लाना होता है, इनके चरित्र का विकास करना होता है, और इन्हें प्रोविजन अधिकारी के संरक्षण में रखा जाता है जिससे कि वो दोबारा अपराध नहीं करें। अब हम परिभाषा पर आए इलियट के अनुसार। इलियट बोलते हैं परिवीक्षा दंड देने वाली संस्था जो होती है, जो हमारी संस्था होती है, क्या होता है, जो परिवीक्षा का जो प्रावधान किया जाता है, वो परिवीक्षा के लिए आवेदन आपको करना होता है। जब आपका डिसीजन आ जाता है कोर्ट से, तो आप न्यायालय के पास जाएंगे और उनको आवेदन करेंगे, साहब ये प्रोविजन के अंतर्गत उसको फायदे दिए जाए, है ना। तो परीक्षा दंड देने वाली संस्था द्वारा, मतलब न्यायालय द्वारा, इस शर्त पर है कि अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा और उसको मुक्ति दे दी जाएगी। यदि वो समाज पे जाके वो अच्छा व्यवहार करेगा, तो कोर्ट जो है, वो न्यायालय जो है, उसको मुक्ति देगा। इलियट बोलते हैं परीक्षा के उद्देश्य। परीक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि इसमें जो है अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखाना होता है। न्यायालय क्या करता है कि
इनके प्रति सहानुभूति दिखाता है। और दूसरा जो धारा 3 के अंतर्गत बताया गया कि अगर परीक्षा पे किसी को छोड़ा जाता है तो उनको कुछ चेतावनी दे दी जाती है, कुछ भय दिखाया जाता है, भय डाला जाता है कि आप दोबारा अपराध करोगे तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा और आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो ये चीज़ बता के उनको छोड़ा जाता है। और उनको अपने आप सुधरने के लिए, उनकी चरित्र को सुधार करने के लिए, उनकी सूझबूझ को सुधार करने के लिए उनको ऐसा संरक्षण दिया जाता है जिससे वो अपनी सूझबूझ को सुधार सके और अपने अपने आप को अपराध से दूर रखें। अब परीक्षा की शर्तें क्या होती हैं? देखिए, जब कोई भी न्यायालय के पास आप जाएंगे और आपको लग रहा है कि कोई अपराधी को सजा हो रही है, आरोपी को सजा हो रही है, तो आप ये आवेदन बना सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे, सबसे पहले न्यायालय ये देखेगा आवेदन में कि उसको लाभ दिया जाएगा जो आदतन अपराधी ना हो, जिसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं हो, अपराध के कोई रिकॉर्ड नहीं, आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, उसी को परीक्षा दी जाएगी। गंभीर प्रवृत्ति के अपराध नहीं किए हो, जिसको प्रोविजन दिया जा रहा है, परीक्षा दी जा रही है, वो व्यक्ति जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित कोई अपराध नहीं किया हो, मतलब गंभीर प्रवृत्ति के अपराध नहीं किए हो उसने, उसकी आयु और चरित्र देखा जाएगा कि उसकी आयु क्या है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है वो बाल अपराधियों को परीक्षा का फायदा देने का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र देखे जाएंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा रहा है लोगों के साथ में, और मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मामलों में ये परीक्षा नहीं दी जाती, उसमें पेरोल दी जाती है। परीक्षा है तो अब क्या होगा, कोर्ट जब देख लेगा कि हाँ 21 वर्ष का है कोई व्यक्ति, तो उसको बिना शर्त, मतलब उसको फर्स्ट फ्राइडे दे दी जाएगी कि भैया जा तू पेरोल पे, परीक्षा पे जा। अब क्या होगा, परीक्षा है तो कोर्ट जब ये चीजें देख लेगा, इन चीजों को देख लेगा, तो वो अपनी शर्त बताएगा कि आप पहले, सबसे पहले एक बंध पत्र प्रस्तुत करो, प्रतिभूति पेश करो कि मैं किसी प्रकार का अपराध नहीं करूंगा दोबारा, और अगर मैं अगर अपराध करता हूं तो ये मेरी जो राशि होगी वो जब्त कर ली जाए, इसलिए इस बंध पत्र पर मुझे छोड़ा जाए, मुचल के उचल के पे। और फिर परीक्षा अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है उसकी शर्तों को माननी होगी, उसको मानना होगा कि जो भी वो बोले। और चुराई हुई वस्तु, जो भी उसने अपराध करा उसमें चुराया है या कुछ भी जो भी करा, उस चीज़ को वापस करना होगा, उस व्यक्ति को पुनः वापस करना पड़ेगा। और यदि वह परीक्षा अधिकारी की बातों को नहीं मानता तो उसको वापस जेल पहुंचा दिया जाएगा। समय समय पर परीक्षा अधिकारी से मिलते जुलते रहना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। अगर आप घर का एड्रेस बदल रहे हैं, जो अपराधी होता है वो अगर घर का पता बदल रहा है तो उसे सूचना देना होगी परीक्षा अधिकारी को। अपराधी को मेडिकल परीक्षण में रहना होगा, मेडिकल करवाता रहना पड़ेगा, बिना अनुमति के किसी भी राज्य में या कहीं पे भी घूमने नहीं जाएगा या बिना बताए कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो परीक्षा के जो गुण होते हैं कि वास्तव में इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, क्या गुण होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होंगे कि जो अपराधी है उसमें सुधार आएगा, उसके चरित्र में विकास होगा, उसकी वास्तविक परिस्थिति में विकास होगा, चरित्र को डेवलप किया जाएगा उसके, है ना, ऐसा बनाया जाएगा कि वो समाज पर भार ना बनकर खुद समाज के लिए उन्नति में सहायक हो। ये जो माध्यम होता है परीक्षा का, ये बहुत ही सस्ती इकोनॉमिकल प्रोसेस होती है। और ये जब कोई परीक्षा दी जाती है उसमें ये भी आधार बनाया, ग्राउंड्स लिखा जाता है कि साहब इसकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति है, मतलब खराब हो से बचा जाएगा, मतलब यदि अगर उसको जेल पहुंचा दिया गया तो उसकी पारिवारिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनको इससे बेनिफिट ये भी है कि अगर उसको प्रोविजन दे दिया तो वो अपराधी नहीं बनेगा, दोबारा अपराध नहीं करेगा। यदि उसको जेल पहुंचा दिया तो वो, तो फिर वो ट्रेनिंग लेके आएगा अपराधियों से। फिर दोष क्या है, तो वो उन ये अगर किसी को प्रोविजन का अगर लाभ दे दिया तो उनके मन से डर जो है ना समाप्त हो जाएगा कि भैया हमको सजा मिली नहीं तो दोबारा अपराध करेगा, पुनः अपराध के हेतु प्रवृत्त हो जाएगा, वो पुनः अपराध करने के लिए सजग हो जाएगा, सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। अब हम बात करें कि जो धाराएं हैं, वो धारा 1 में जो हमको बताया गया है कि संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो जो हमारा परीक्षा अधिनियम 1958, ये उसका संक्षिप्त नाम है, जो कि हमारे राजपत्र की अधिसूचना में आने के बाद में लागू होगा। फिर उसके बाद धारा 2 में बताया गया कि विहित व्यक्ति, परीक्षक अधिकारी, और उसके बाद संहिता। तो संहिता से क्या संबंध है, धारा 2 में परिभाषा दी गई, तो संहिता से मतलब CRPC, हमारी दंड प्रक्रिया संहिता। और उसमें हमारे क्या बोलते हैं, परीक्षक अधिकारी, जो कि परीक्षा का अधिकारी धारा 13 में दिया गया, वो उससे मत अर्थ है। फिर उसके बाद धारा 3 में भर्त्सना, भर्त्सना पे छोड़ा जाएगा व्यक्ति, मतलब उसको धारा 3 में बताया गया कि भर्त्सना का प्रावधान है जिसमें व्यक्ति को चेतावनी देकर, भय दिखाकर उसको छोड़ दिया जाएगा कि अगर दोबारा अपराध करोगे तो आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा, धारा 3। धारा 4 में बताया गया कि परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति क्या होगी, वो बात की गई है।
धारा 5 में बताएगा कि जो व्यक्ति जिसकी उसने संपत्ति चुराई है या जिसका हानि पहुंचाई, जिसको हानि पहुंचाई है उसके उसको खर्चा देगा, उसको हर्जाना पेश करेगा, है ना। धारा 6 में बताएगा कि वो जो व्यक्ति है वो 21 वर्ष से कम आयु का है तो उसको कारावास से निर्बंधित किया जाएगा, कारावास नहीं दिया जाएगा। धारा 7 बताती है कि वो जो पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है न्यायालय में उसकी गोपनीयता बनाए रखेगा, गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। धारा 8 में जो हैगा, अगर वो अगर पर्यवेक्षक की शर्तों में अगर किसी प्रकार का फेरफार करना तो वो कर सकते हैं, है ना। धारा 9 में ये पर्यवेक्षक के शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो क्या प्रावधान है। धारा 10 में बताया गया है, धारा 10 छोड़ो, धारा 11 में बताया गया कि व्यक्ति जो है वो अपील कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है, रिविजन कर सकता है। धारा 13 पे आ जाओ, धारा 13 जो है वो पर्यवेक्षक अधिकारी से संबंधित है ना, अधिकारी है। और धारा 14 में उसके पर्यवेक्षक अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं, और धारा 15 में जो पर्यवेक्षक अधिकारी एक लोक सेवक अधिकारी होगा ये बात की गई है। पर्यवेक्षक अधिकारी जो होता है वो जो परीक्षा पे छोड़े गए व्यक्तियों की निगरानी करता है, उनको देखता रहता है कि उनका समाज में किस तरह का व्यवहार है, वो किस लोगों के साथ बैठ रहे उठ रहे होते हैं, एक तरह की रिपोर्ट देता है। जब जितने वो समय के लिए उनको परीक्षा पर छोड़ा जाता है उतने समय के लिए उनको नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति के लिए, और ये व्यक्ति जो होता है वो उनकी रिपोर्ट पेश करता है न्यायालय में कि हाँ इनका व्यवहार कैसा था, और यदि अगर परिवीक्षा के अंतर्गत उनका व्यवहार अच्छा होता है तो इनको पूर्ण मुक्त कर दिया जाता है, जॉब या बरी।